100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। वक्त हो चला है टॉप 24 का। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,38,000 के पार। देश में कोरोना से अब तक 4,021 लोगों की मौत। देश में 24 घंटे में कोरोना के 6,977 नए मामले आए सामने, 154 लोगों की मौत। देश में तेजी से बढ़ रहा है रिकवरी रेट, 51% से ज्यादा मरीजों ने दी कोरोना को मात। दिल्ली में कोरोना के 635 नए मामले आए सामने, मरीजों का आंकड़ा हुआ 14,000 के पार। महाराष्ट्र के 51 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, 1,809 पहुंची संक्रमित पुलिसकर्मियों की तादाद। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 273 नए मामले आए सामने, राज्य में एक्टिव केस बढ़कर हुए 2,606। दुनिया में कोरोना का कहर जारी, दुनिया में 54 लाख लोग कोरोना से संक्रमित, अब तक 3,44,760 लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना और लॉकडाउन के बीच देश में आज मनाई जा रही है ईद, लोगों ने घरों से की इबादत। पीएम मोदी ने दी ईद की बधाई, की सभी देशवासियों के स्वस्थ रहने की कामना। जमात के मौलाना साद पर क्राइम ब्रांच का शिकंजा, बेटे मोहम्मद सईद का पासपोर्ट किया गया सीज। श्रम कानून कमजोर करने पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने जताई चिंता, पीएम मोदी को लिखा पत्र। नोएडा के बाद अब गाजियाबाद और दिल्ली की सीमा सील, डीएम का आदेश, केवल पास धारकों को ही होगी आने जाने की इजाजत। कोरोना और लॉकडाउन के बीच देश के कई हिस्सों में आज से घरेलू विमान सेवा हुई शुरू। दिल्ली एयरपोर्ट से 82 उड़ाने रद्द, मुसाफिर परेशान, बोले नहीं मिली कोई जानकारी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 10 दिन बाद एयर इंडिया के विमान में मिडिल सीट की नहीं होगी बुकिंग। दिल्ली में भीषण गर्मी के आसार, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ जारी, सेना ने एक आतंकी को किया ढेर। यूपी के सीएम को धमकी, भरा मैसेज भेजने के मामले में महाराष्ट्र के नासिक से एक और आरोपी गिरफ्तार। देश के 50 प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल हुए बिहार के सीएम नीतीश कुमार, राहुल गांधी, बाबा रामदेव समेत कई दिग्गजों को पछाड़ा। कोविड 19 की महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की सूची में 10वें नंबर पर आया भारत, जुलाई तक भारत में कुछ लाख बढ़ सकते हैं मामले। गृह मंत्रालय चक्रवाती तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पश्चिम बंगाल भेजेगा टीम। मजदूरों के पलायन पर सीएम योगी का बड़ा फैसला, श्रमिकों को रोजगार देने के इच्छुक राज्यों को यूपी सरकार से लेनी होगी मंजूरी। सीएम योगी के बयान पर बोले राज ठाकरे, प्रवासियों को महाराष्ट्र आने से पहले भी लेनी होगी इजाजत। ओआईसी में पाकिस्तान को सऊदी और यूएई से भी झटका, भारत को मिला समर्थन, पाकिस्तान ने भारत पर लगाया था इस्लामोफोबिया का आरोप। फिलहाल मेरे साथ टॉप 24 में इतना ही, देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव 24।